हेलो आई आई डी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर पता हो तो अच्छा ही है। होता क्या है, कुछ तो बेसिक सी बातें हैं जो कि अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली है, जैसे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला याद है ना भाई? तो इस लाइन सेगमेंट जो कि Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली है, उसको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो Z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m Z2 प्लस n Z1 बाय m प्लस n। और उसी तरीके से अगर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ तो बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भाई। अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस हैं Z1, Z2, Z3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, जैसे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री। ए क्या है, जो ये जेड वन वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड की लेंथ है, Z2 वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है B, और Z3 वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है C। और इसके आगे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में X सेंटर भी पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर भी पढ़ा था, सर्कम सेंटर भी पढ़ा था, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स। तो वही सब चीजें यहाँ पर भी यूज हो जाएगी, तो इसलिए अपन इस चीज को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह हो जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, जिसमें ये एक पहला फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। z1 और z2 इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, लैम्डा कोई सा भी रियल नंबर है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें इस लाइन के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। अभी लाइन की इक्वेशन आई कैसे, चलो भाई इसको करते हैं अपन डिराइव। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि Z1 और Z2 से पास कर रही है। लेट्स से यहां पर मैंने कोई वेरिएबल पॉइंट Z ले लिया, तो अगर मैं Z को Z1 से ज्वाइन करता हूं तो ये जो आर्गुमेंट होगा, दिस इज सेम एज दिस आर्गुमेंट। और अगर मान लो कि Z इस साइड होता तो इनके आर्ग्यूमेंट में जो डिफरेंस होता वो पाई का होता। तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इक्वल टू जीरो पाई और माइनस पाई। खैर आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में बात करो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में है, तो माइनस पाई और जीरो दे आर वन एंड द सेम थिंग, बट चलो हमने तीनों ही पॉसिबिलिटीज लिख ली। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो है या पाए है या माइनस पाए है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल। सो व्हाट आर वी गेटिंग, that z minus z1 upon z2 minus z1 is equals to lambda, well lambda is a real quantity। इसको यहां ट्रांसफर करो, z1 को यहां ट्रांसफर करो, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई ही बड़े आराम से। बात समझ में? दूसरा जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें ये पहला वाला तो बहुत ही आसान है, वैसे दूसरा वाला भी आसान है, लेकिन पहले पहले वाले की बात करते हैं। अभी हमने ये बोला कि भाई ये क्वांटिटी जो है प्योरली रियल है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होता है, दिस इज सेम एज इट्स कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से ये
हर कॉम्प्लेक्स नंबर पर इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाएगा। दिस, ये आ गया ये वाला फॉर्म। बात समझ में आई? इसके बारे में बात करते हैं भाई। ये जो चीज हमको मिली है ना, इसको अपन करते हैं रीअरेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को। तो z इंटू ये आया माइनस z1 इंटू यही चीज, एंड दिस इज इक्वल टू z बार के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में। अब सब चीजों को इक्वल टू के इस साइड लेके चलते हैं और रीअरेंज करते हैं भाई। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलो ये चीज तो कैंसल हो गई, पूरे एक्सप्रेशन को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है भाई, अब ये जो चीज है आयोटा इंटू जेड टू माइनस जेड वन, इसको लेट से ए बोल दिया, तो ये जो चीज है वो ए है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए बार, ए जेड बार प्लस ए बार जेड, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको लेट से सी बोल दिया। अब ए जो है वो है आयोटा इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ये चीज रियल भी हो सकती है इमेजिनरी भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये जो चीज है सी, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रियल क्वांटिटी। सोच के देखो भाई, जेड वन जेड टू बार का कॉन्जुगेट है जेड टू जेड वन बार, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर हम उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है, और फिर उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्योरली इमेजिनरी इनटू आयोटा दैट विल बिकम प्योरली रियल। तो सी जो है यहां पर वो हो गया रियल कॉन्स्टेंट, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर मैंने वहां पर सी लिखा है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, बात तो एक ही है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस आर इक्वल टू जीरो, वेर ए इज आयोटा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, आर क्या है आयोटा टाइम्स जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार। इसको याद रख सकते, आगे बढ़ते हैं, इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया 2, 3, ये एक पॉइंट हो गया -1, 1, लेकिन उस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में आंसर लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही लेंथी हो जाए। हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं जेड वन बोल देता हूं, ये जेड टू हो गया, तो ए क्या है आयोटा इंटू जेड टू माइनस जेड वन, तो -1, -2 इज -3, आई -3i इज -2i, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये a आ गया, तो a बार कितना हो गया 2 + 3i। अब हमें क्या निकालना है, r या c। अब z1 z2 बार 1 - 5 आयोटा आया है, तो z2 z1 बार इसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो हो गया 1 + 5i,
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, ए विच इज 2 माइनस 3 आई इंटू जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस आर इक्वल टू 0। ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई क्या? अब ये जो लाइन की इक्वेशन है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, इस फॉर्म से एक ये टर्म एसोसिएटेड रहती है कॉम्प्लेक्स स्लोप, जो कि होता है माइनस ए बाय ए बार। जैसे इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए मतलब ये, ए बार मतलब ये। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0 इज माइनस ए बाय ए बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर इसके आंसर के बारे में बाद में बात करेंगे। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्रेफर करूंगा। अब अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं जो कि Z1 Z2 से पास कर रही है। इसका इंक्लिनेशन कितना बोला है, थीटा, मतलब ये जो एंगल है वो थीटा है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं ताकि अच्छे से फील आ जाए। ये एंगल है थीटा। Z1 का रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, याद है ना क्या होता है, Z1 बार, और Z2 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, Z2 बार। अब ये इंक्लिनेशन भी जो होगा दैट विल बी थीटा विद अ माइनस साइन। अब यहां से यहां तक के हम लगाते हैं रोटेशन, याद है ना भाई रोटेशन क्या है, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, 2 थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई ये थीटा और ये थीटा, टोटल कितना हो गया, 2 थीटा। मॉड्यूलस तो दोनों का सेम है, ये चीज आ गई। और कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप इज माइनस ए बाय ए बार। ए किसके इक्वल है, आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z1, और ए बार क्या होगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट Z2 बार, Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार। माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। बात समझ में आ गई? तो ये पहली चीज तो बड़े आराम से आ गई। दूसरे बार की बात करें तो भाई, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम जो होगा दैट विल बी 0। कैसे, अभी हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो ई रेज टू पावर 2 आयोटा थीटा के बराबर है, जहां पे थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है। अब अगर मान लो कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो एक का इंक्लिनेशन थीटा, दूसरे का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू भी चलेगा, बट अपन प्लस पाई बाय टू लिख देते हैं। तो जिस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप वो हो गया ये, और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इंडाइसेस से जैसे ई रेस्ट पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी है, -1। दोनों को ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। बस समझ में आई क्या, क्लियर? आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेर माइनस ए इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। प्रूव इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर है लेट्स से अल्फा और रेडियस है आर। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई भाई? ये जेड का डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू आर, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। अब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड जेड बार। तो ये चीज हो गई, ब्रैकेट ओपन किया और इस आर स्क्वायर को भी अपन LHS में लेके चले गए। अल्फा को अपन ने रिप्लेस कर दिया माइनस ए से और इस चीज को अपन ने लिख दिया सी। सो व्हाट वी आर गेटिंग? हमने जो सर्कल लिया था उसका सेंटर है अल्फा और अल्फा क्या है? माइनस ए के बराबर। तो इस केस में सेंटर क्या हो गया? माइनस ए। सी जो है वो किसके बराबर है? ये वाला सी। अल्फा अल्फा बार माइनस आर स्क्वायर के बराबर। अब अल्फा किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ गया? ए बार माइनस सी। तो रेडियस क्या हो गया भाई? ए ए बार को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और सी तो एज इट इज। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आ गई सर्कल की इक्वेशन बड़े ही आराम से। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इसको, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर द्वितीय। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात हो रही है तो अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रेडियस। ये बात हमको ऑलरेडी पता है। ये पहले वाले सर्कल का सेंटर माइनस ए, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर माइनस बी, पहले वाले सर्कल का रेडियस ये, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस ये। अब C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। C1 C2 मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ये कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी इज दिस, बी माइनस ए के मॉड का स्क्वायर मतलब बी माइनस ए इंटू इसका कॉन्जुगेट। यहां पर ये जो ए और बी है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं भाई, समझ रहे हो ना बात को? बी इंटू बी बार दैट इज मॉड बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ। व्हाट वी आर गेटिंग? दिस। अब ए बी बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कॉन्जुगेट हुआ। जेड प्लस जेड बार क्या होता है? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी बार, या ये भी लिख सकता हूं ए बार बी। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी बार पूछा गया है, जो कि यहां पर बड़े ही आराम से आ गया सी प्लस डी के इक्वल। बस समझ में आई क्या? इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।